Speak Your Heart with Samina Peerzada में मेरी आज की मेहमान है हिरा मानी। मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, मैं चाहूँगी कि आप भी उनको उसी तरह डिस्कवर करें जैसे आज मैं उन्हें डिस्कवर करूँगी। आइए मिलते हैं हिरा मानी से। हिरा, थैंक यू सो मच, तुमने वक्त निकाला और आई। नहीं, डेफिनेटली, क्यों नहीं आना था? आपने बुलाया था तो मुझे ज़रूर आना था। आपके तो मैं फ़ैन हूँ बहुत अरसे से, मैं सोच रही थी शुरू से। कि ये हिरा ने मानी का नाम क्यों आगे ऐड किया, सरनेम साकिब क्यों नहीं, अपना नाम क्यों नहीं रखा, हिरा मानी क्यों किया? पता नहीं, जैसे मानी से मेरी पहचान है तो मुझे लगता है कि बस और वो तो सलमान है, वो तो मानी है, हाँ, तो दैट्स हिज पेट नेम। हाँ, लेकिन मैं उसको यूजुअली मानी कभी से, नहीं करता कोई ऐसे, है ना? So, ये हिरा मानी प्रोफेशनल नाम है, शो प्रोफेशनल नाम बिजनेस है का। मेरा। हाँ, मैं ड्रामों में भी एंड में हिरा मानी लिखवाती हूँ। अच्छा, हिरा मानी, तो ये कब सोचा था? ये खुद ही हुआ है। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप एंड क्रेडिट्स में क्या बोलते हो, हिरा मानी। मुझे होता है कि बस सलमान, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ सलमान कौन है, मैं तो मानी को जानती हूँ, तो मुझे मानी से प्यार है, तो मुझे दिल करता था कि मेरा नाम हिरा मानी ही हो। हिरा बहुत प्यार है, बहुत बहुत, सीरियसली, क्यों क्यों है इतना प्यार? पता नहीं, बहुत प्यारा इंसान है। मुझे एक आम सी मैं लड़की थी समीना, मैं कुछ भी नहीं थी। उसने मुझे क्या बना दिया, उसने मुझे हिरा मानी बना दिया कि लोग मुझे पलट के देखते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं, मुझसे आके ऑटोग्राफ लेते हैं। उसने मुझे तमीज़ सिखाई है, मुझे सलीका सिखाया है, ज़िम्मेदारी सिखाई है। बहुत ब्यूटीफुल इंसान है मानी। मतलब मानी के लिए मैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है ऑनेस्टली। इतना प्यारा आदमी है, उसके अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, उसके अंदर कोई जेलिसी नहीं है, उसके अंदर कोई ये नहीं कि मेरा अना है, मैं बड़ा हूँ, मैं मर्द हूँ, कुछ भी नहीं। इतना सॉफ्ट, उसने मुझे बदल के रख दिया। आपको पता है, मानी ने, मैं ऐसे थी, मानी ने मुझे ऐसे कर दिया। तो वो जो बबली, एक शरारती और एक फनी, हाँ वो तो मैं, नॉन सीरियस, है ना, है ना, वो तो मैं हूँ, लेकिन जैसे क्या चेंज किया? आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो आपको बताता है कि आपके अंदर ये खूबी है। लोग आपको बताते हैं आपकी खामियाँ। मुझे बहुत लोग मिले बचपन से अब तक, आपके घर वालों के अलावा आपको कोई आपकी खामी, आपकी खूबी नहीं बताता। आमतौर पे लोगों को आपकी खामियाँ ज़्यादा नज़र आती हैं। यार ये तो ऐसे बोल देती है, ये तो ऐसे बात करती है, ये तो ऐसे करती है, तो पता नहीं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। लेकिन मानी ने मुझे बताया कि हिरा तुम्हारे अंदर ना ये टैलेंट भी है। मैं बहुत ट्रेडिशनल हूँ, मुझे उस मानी ने बताया कि ईद में प्रॉपर ईद मनाती हूँ, फैमिली का कोई फंक्शन हो मैं खाना पकाती हूँ। उसने मुझे बताया मेरी खामियाँ, मेरी खूबियाँ, कि तुम देखो, तुम घर को, जब घर में आती हो, जब तुम हीरोइन वाले कपड़े उतार के एक माँ वाली जैकेट पहनती हो, जिसमें तुम एक माँ होती हो, एक बीवी होती हो, तो तुम कितनी अलग होती हो। उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि तुम इस फील्ड को भी लेके चल सकती हो, तुम फैमिली को भी लेके चल सकती हो, और तुम रिस्पेक्ट के साथ हर चीज़ कर सकती हो, बिलीव मी और नॉट। तो ये मानी कहाँ से मिला था? मानी कहाँ से मिला था? बहुत खूबसूरत दिन था वो, और आज भी देखे मैं चर्वे करती हूँ, जब मैं मानी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और उस टाइम पे जब वो नहीं मिला था तो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि जब चीज़ मिल जाती है ऑब्वियसली मैं उसके साथ हूँ, उसको छू सकती हूँ, उसको देख सकती हूँ, उसके लिए कुक कर तो सकती। क्या चीज़ अच्छी लगी थी, कहाँ देखा था? टीवी पे। और क्या अच्छा लगा था? लग रहा था कि जैसे मेरे जैसा कोई इंसान है, जिससे ये तो मैं हूँ, ये तो मैं सुनना चाहती हूँ जो ये बोल रहा है। मानी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो हर आम बंदा उससे कनेक्ट कर सकता है, बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकता कितनी है। क्या उम्र थी जब मानी से कनेक्ट हुई, जब देखा, क्या उम्र? 18 साल, 17 साल, स्टिल इन कॉलेज। हाँ, कॉलेज में थी। और चलो मानी का जिक्र हम फिर आगे करेंगे। हाँ, हाँ। पहले हम तुम्हारे बचपन की तरफ जाते हैं। ओके। कितने बहन भाई हो, कहाँ पैदा हुई, घर कैसा था? मैं कराची में पैदा हुई। अच्छा। और मेरे 4 भाई हैं, माशाल्लाह। सबसे छोटी? नहीं, मैं
ایکچولی امی کی اسٹوری ہے. بڑی میری امی بیچاری معصوم سی بہت اچھی خاتون ہیں, بڑی زبردست, ان سے بھی بڑی چیزیں سیکھی ہیں میں نے. چار سال میں چار بچے تھے بیٹے. ہاں پہلے میرا بھائی تھا ایک بڑا, پھر میں, ایک سال بعد ایک اور, پھر ایک سال بعد ایک اور. تو بیچاری امی نا, یہ پر کبھی کبھی اچھا بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ سب اکٹھے پل جاتے ہیں. ہاں ہاں بالکل, محنت کرتے ہیں سب کو اکٹھا پالنے میں. پھر ہاں یہی ہوا ہے. تو میری دادی بھی ہوتی تھی, پھپھو بھی ہوتی تھی, تو ہم سب ایک ساتھ چار بہن بھائی پل گئے. پھر دس سال بعد ایک چھوٹا بھائی ہوا, شاہ جمال. سو یو آر فور برادرز اینڈ ون سسٹر. یس, اور وہ سارے مجھ سے لمبے چوڑے اور یو نو وہ میرے بڑے بھائی لگتے ہیں سارے. اور میرے بھائی جو ہیں وہ بڑے پیارے ہیں. میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ بڑا کچھ کیا ہے, آپ یقین کریں, کیونکہ میری کوئی بہن تھی نہیں. کزنز مجھے تھوڑا دور رکھتی تھیں, ریزن یہ کہ میں تھوڑی چلبلی تھی. اچھا یہ بھائی بڑی بھی تھیں تھوڑی مجھ سے, تو میں اپنے بھائیوں کے ساتھ. اور ہاں, میں آج اگر ہیروئن ہوں نا یا میں اپنے آپ میں کچھ ہوں شروع سے, تو میرا بھائی ہے عبید. جیسے میں شادی میں تیار, کیا لگ رہی ہو آج, تو دلہن روئے گی, تم کیا لگ رہی ہو, تم کیا گاتی ہو, او مائی گاڈ ایشوریا لگ رہی ہو, یہاں سے تھوڑی کرینہ لگ. اس نے مجھے نا بچپن میں ہیروئن بنا دیا تھا عبید نے. یہ عبید کی غلطی ہے جو مانی بھگت رہا ہے اب. ہاں بالکل, ایسی سو کے اٹھو, ایک سیکنڈ کیمرہ لاؤ. میرے بھائی مجھے ایسے پرنسس کی طرح اڈور کرتے تھے, میرے ساتھ شاپنگس پہ جانا, میرے ساتھ میں ان کی میک اپس کر رہی ہوں, میں ان کو اپنا غرارہ پہنا کے تو پورے اپارٹمنٹ میں لے کے گھومتی تھی. ہاں کیونکہ بہن تو تھی نہیں نا, تو عبید تھا اس کا. میں دوپہر میں, عبید بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ عبید میں سے ایک سال چھوٹا ہے. اچھا چھوٹا والا بھائی. ہاں اسکول سے آتا, ہاں چھوٹے والے بھائیوں کے ساتھ کر سکتی ہے میں نے یہ سب. ہاں اور میں اس کا میک اپ کرتی تھی, ڈانس کرتے تھے. اوف وہ بہت ہی کوئی میری نا میری ایسے سے لائف تھی. ایسے سے فلانا شادی میں جانا ہے, ہر شادی میں مجھے, اگر آپ بھی اپنی کسی کزن کی شادی کا کارڈ دیں گی نا, میں فلم فیئر ایوارڈ چھوڑ کے, فلم فیئر ایوارڈ ان شاء اللہ وہ بھی جاؤں گی میں, میں کوئی پریمیئر چھوڑ کے میں شادی پریفر کرتی ہوں. مجھے ہوتا ہے شادی خوبصورت چیز ہے نا, کتنی خوبصورت چیز ہے شادی. گڑیوں سے کھیلا؟ میں نے گڑیوں سے نہیں کھیلا, اتنا نہیں کھیلا میں نے. اچھا ٹو بی ویری آنیسٹ, میں میرے پاس شرارتیں کی, میرے پاس سائیکلنگ کی, سائیکلنگ کی ہے میرے پاس. وہ درختوں پہ چڑھی؟ درختوں پہ بہت چڑھی ہوں میں. ہزار پاس کیا تھا میرے پاس؟ کوکنگ سیٹ تھا. مجھے کوکنگ کا, کچن کا بہت شوق تھا, گڑیوں سے زیادہ گھر کا, کچن کا. یہاں میری گاڑی پارک ہوگی. مجھے آج تک یاد ہے, میرے پھوپا, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ میرے لیے پورا ہوم لے کر آئے تھے. وہ اب تک وہ ہاؤس میرے پاس رکھا ہے, اور وہ ہاؤس کوئی نہیں چھو سکتا. مزمل بھی مانگتا ہے, ابراہیم بھی مانگتا ہے, لیکن وہ امی کے پاس ویسے ہی رکھا ہوا ہے اوپر کے ہیرا کا ہے. عجیب سی بات ہے گڑیوں سے. کتنا بڑا گھر تھا؟ اندر بیٹھ, اندر جا سکتی تھی کھیلنے یا نہیں؟ صرف چیزیں, نہیں چیزیں تھیں, چیزیں جا سکتی, ڈیکوریشن کی چیزیں تھیں, پارکنگ کی گاڑی تھی. وہی ہاؤس ڈریم میں تھا. اور وہ لگتا ہے جیسے خواب سارے سچ کر دیے میرے مانی نے. جو جو میں نے خواب دیکھے تھے نا, پتہ نہیں آپ سے بیٹھ کے کیوں میں مانی کی اتنی باتیں کر رہی ہوں. نہیں کرو نا, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, جیسے مجھے دل کر رہا ہے کہ میں بتاؤں. میں نے جو جو ڈریم کبھی دیکھا تھا یا کبھی سوچا بھی تھا نا, وہ اس بندے نے ایسی چھڑی گھمائی ہے, وہ چیزیں پوری ہو گئی. تو وہی ڈریم تھا میرے, وہی گھر ایسا ڈریم ہوگا کہ میں گاڑی اندر پارک کروں گی, میرا روم ہوگا, یو نو اس طرح کا. مانی نے مجھے سب کچھ دیا ہے. کہاں کہاں ملے تھے مانی؟ دیکھا تو ٹی وی پہ تھا, مگر ملے کہاں تھے؟ اللہ دیکھیں کرتا ہے یہ. مانی میری فرینڈ کا فرینڈ تھا. اچھا, اور عجیب سی بات ہے دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے. اوہ اچھا. ہاں اور میں اپنی فرینڈ کا پروجیکٹس بناتی تھی, اور میں اس کے گھر پہ پروجیکٹ بنا رہی تھی, تو ساری رات اس سے بات کر رہی تھی. تو میں اس کا, میں اپنے کام میں لگی ہوئی تھی, میں تھوڑی سی اچھی ہوں چیزوں میں. تو میں یہاں پر, اچھا بائے دی وے میری منگنی بھی ہوئی ہوئی تھی, میری شادی بھی ہونے والی تھی آپ کو پتہ ہے. اور میں نے کہا 6 مہینے رہ گئے تو شادی میں, اور میں اپنے منگیتر سے نارمل, وہ تھوڑا بینکر ہے تو وہ تھوڑا سا سوفسٹیکیٹڈ ٹائپ انسان ہے, بالکل میری رینج سے باہر. اچھا, کیونکہ میں تو بڑی اس طرح کی ہیروئن ٹائپ نا, مجھے تو کوئی ہیرو چاہیے نا, سکس پیکس والا. خیر تو یہ ہوا کہ میں نے اس سے بات بات کر کے بند کر کے میں اپنا کام کرنا شروع کی. تو میری دوست مسلسل سے باتیں کری,
तो मैंने नेक्स्ट डे पूछा कि तुम सारी रात किससे बात कर रही थी, तो उसने कहा मैं मानी से बात कर रही थी। तो मेरे तो एंटेनास ऐसे खड़े हो गए ना। मैंने कहा अच्छा, फिर नेक्स्ट डे मैंने बहुत बुरी हरकत की, आई एम सो सॉरी, मैंने उसके फ़ोन से मानी का नंबर निकाल लिया था। और जब मैंने उसके फ़ोन से मानी का नंबर निकाला तो फिर मैंने मानी को कॉल की मरियम खान बन के, और मैंने कहा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मुझे तुमसे मिलना है। तो इस तरह फिर मैंने अपनी उस फ्रेंड को कहा कि देखो मेरी तो शादी होने वाली है 6 महीने बाद, तुम एक काम करो मुझे मानी से मिलवा दो। और एक तरफ मेरी मानी से फ़ोन पे बातें चल रही हैं और एक तरफ मैं उससे एस फैन मिलने गई हूँ, दिख रही हूँ। फिर जब मैं मानी के साथ एस फैन उसके साथ बैठी ना, मैंने बड़ी उस दिन समीना मैं आपको बता नहीं सकती, मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी, उस वक्त कर्ल्स और पर्म्स करने वाली कोई चीज़ नहीं थी। मैंने रात को छोटी छोटी चुटियाँ बना कर, क्योंकि उस वक्त ताल मूवी आई हुई थी आई गेस, और वो मुझे ऐश्वर्या बन के जाना था तो मैंने छोटी छोटी चुटियाँ बना के ना मैं सो गई थी। दूसरे दिन मेरी एक बड़ी खूबसूरत कमीज सलवार था, फुल स्लीव्स, थोड़ा सा आगे से ऐसा गला, थोड़ी फिटेड चूड़ीदार, कि बस मानी मुझे देख ले कि बस यही लड़की है जिससे मैंने शादी करनी है, यू नो। मैं ऐसे, अच्छा उसने गाड़ी भेजी मुझे लेने के लिए, तो मैं जब उसकी गाड़ी में बैठी, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को उसने भेजी होगी गाड़ी, तो हम भी उसी गाड़ी, मैं भी उसी गाड़ी में गई, तो यहाँ मानी की टी शर्ट पड़ी हुई, यहाँ उसका जेल पड़ा हुआ, यहाँ उसके जूते पड़े हुए। मैंने कहा यार मैं मानी की गाड़ी में फाइनली बैठ गई हूँ, और मुझे यकीन ही ना आया ना। तो अब मैं अपनी फ्रेंड को भी नहीं बता सकती कि यू नो मैं तो उससे बात कर रही हूँ, मैं तो बड़ी ऐसे बनी हुई थी वो करके। 2-3 दफ़ा मानी मेरे एरिया में आए थे ना, वो स्ट्रीट शोज़ करता था, तो जैसे मेरे भाइयों को पता है मैं मानी की फैन थी, तो मुझे बताते थे, तो मैं नीचे 2 दफ़ा गई, तो उस वक्त तक मानी जा चुका होता था। तो फाइनली इतनी स्ट्रगल के बाद कि यार मैं मानी से कभी मिल लूँ, मानी से मैं इतनी ईजी मेरा कनेक्शन हो जाएगा, ये मुझे नहीं समझ आई। खैर फिर हम जब मानी की तरफ वहाँ पहुँचे, तो मैं खड़ी हुई थी ऐसे ना, फुल गले में मेरा दुपट्टा था, बाल मेरे ऐसे कर्ल हुए हुए थे, और एक लड़का आया और जंप नहीं लगाते थे सीढ़ियाँ, एक तो उतर के आते हैं, वो ऐसे जंप लगा के आया, हाँ भाई क्या हो तुम लोग आ गए हो, तो ऐसे नहीं जैसे कोई सब कुछ स्लो हो गया। फिर मैंने देखा, मैं जब स्ट्रीट्स देखती थी या सबसेटिंग में, तो ये बहुत काला सा गंदा सा ऐसा सा होता था, और मुझे उस मानी से प्यार था जो डार्क सा था, जो धूपों में यू नो जिसने रंग जलाया हुआ था। लेकिन उस वक्त जब मानी मेरे सामने आया, तो वो शायद वो थोड़े पैसे आ जाते हैं तो आप थोड़े बेहतर हो जाते हैं, तो मैंने कहा मानी वो पैसों की ग्लो थी तुम्हारे अंदर। तो मैं देखा स्पाइस बने हुए, चमकती हुई शक्ल और ना ऐसे आर्म्स बने हुए, मैं तो फ्लैट। फिर मैंने उसको 2-3, अच्छा फिर क्या हुआ, मैं और मानी निकल, उसने कहा आप कुछ बोलती नहीं है, मैं डर गई, मैंने कहा अगर मैं बोलूँगी तो ये तो पहचान लेगा कि तो फ़ोन वाली मरियम है, क्योंकि तेज़ बहुत है मानी। तो मैं चुप, उसने कहा आप गूंगी हैं, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं एक सेकेंड आई, मैं कॉल करके मैंने कहा मंगेतर का फ़ोन आया हुआ करके मैं बाहर चली गई। फिर मैं आई तो मानी का स्वेटर था ऐसे, पता नहीं उसने ऐसे हुआ तो उसका स्वेटर गिर गया ना, तो मैंने ऐसे स्वेटर उसको उठा के दिया, और मैंने उसको थोड़ा देखा कि शायद ये मुझे पसंद कर ले या मैं पहचान ले, मैं कुछ चाह रही थी कुछ हो जाए, लेकिन वो मेरी दोस्त भी थी साथ, बहुत ही कोई अजीब सीन था। खैर हम घर आ गए, जब हम घर आ गए तो मैंने वो सिम लगाई जिससे मैं मानी से बात करती हूँ, वो सिम किसी के पास नहीं थी, तो ना मेरे भाई इतने सख्त, उनको ना पता, उनको लगता था मैं मंगेतर से बातें कर रही हूँ, लेकिन मैं बातें मानी से कर रही होती थी। तो मानी ने कहा मुझे मरियम तुम्हें पता है आज एक लड़की आई थी मिलने के लिए, कितनी बुरी थी, इतनी अजीब सी थी, अपने अंदर कोई हीरोइन समझ रही थी अपने आप को, लेकिन वो मेरे राइटर को बहुत पसंद आ गई है। जब हम मानी से मिलने गए थे ना, तो वहाँ पे एक छोटा सा काला सा लड़का हमें लेने आया था, तो मानी ने कहा वो बोनी है और वो बोनी को पसंद आ गई, और मैं उसका रिश्ता ढूंढने जा रहा हूँ उसका घर का पता निकाल के। तो मैं डर गई, मैंने कहा यार तो टीवी में होता है, कहीं वाकई इसने मेरा पता लगा लिया, यहाँ तो मेरी मंगेतर से मेरी 6 महीने बाद शादी होने वाली है, मेरे घर वाले तो मुझे मार देंगे, ये तो ये क्या हो। मैंने कहा मानी वो मैं ही थी, तो मानी ने कहा मुझे पता था वो तो। फिर हमारी बात हुई, यहाँ मैंने अपने मंगेतर को चीट किया, और मैं उससे थोड़ी सी बात करके फ़ोन बंद कर देती थी कि मुझे नींद आ रही है, और यहाँ मैं मानी से लंबी रात सारी रात बातें, और फिर मानी गायब हो गया मेरी लाइफ से 4 महीने के लिए,
और मैंने और मुझे लग रहा था ये मुझसे शादी करेगा या हम शादी कर लेंगे, लेकिन वो गायब हो गया। मैंने एक दिन कॉल की तो उसके भाई ने फ़ोन उठाया। उसके भाई ने कहा आप मुझसे बात कर लेना, मानी तो है नहीं। तो मेरा दिल ऐसा हुआ, मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे हुआ ये शायद जो मैं कर रही हूँ ये मेरे साथ गोज अराउंड कम्स अराउंड वाली बात, कारमा हो गया। फिर मैंने असाफ को सब बता दिया, अपने मंगेतर को। मैंने कहा ये मैंने किया है और इतने 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 मंथ्स मैं मानी के साथ थी, अब आपको मुझसे शादी करनी तो करें, नहीं करनी तो मैं भी अपने घर में बता देती हूँ और आप भी बता दें। मैंने क्लियर कट बात कर दी। अब मैंने क्या किया, इन द मीन टाइम मैं बड़ी सैड हो गई, मेरे घर वाले परेशान हो गए कि यार ये तो बिल्कुल ही, उस टाइम पे वो जब भी मैं टाई हुई थी वो हर फिल्म से तो मेरा कनेक्शन हो जाता है। अब मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी अब्बू के बैंक में, अब वहाँ मैं अजीब चुटिया बना के तो कपड़े पहन के और ऐसे जाके बैठ जाती थी सुन, और एक गाना चलता रहता था मेरे हेडफोन्स पे, आओगे जब तुम ओ साजना, सुना है गाना आपने? पूरा पूरा सुना दो। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। तो अभी फिल्म का तो आपको पता नहीं होगा, ये इस फिल्म के सीन था कि उसका जो प्यार होता है ना, मैंने देखी है दो दफा बस। तो मैं उसी फेज में थी कि अंशुमन चला गया और ये रह गया मेरे साथ और साफ चश्मे वाला जो, लेकिन फिर आगे जाके चेंज हो गई कहानी मेरी। फिर मानी का अचानक से फ़ोन आया मेरे पर, मैं बड़ी डल डाउन ख़त्म मेरी लाइफ। सामने एक मेरा अकाउंटेंट होता था सारे, अब उसका भी कोई कनेक्शन हो गया था मुझसे, उसको मैं पसंद आ गई थी क्या था, अब मैं तो कुछ करती नहीं थी, मैं तो एक अलग जोन में, वो मेरे सारे काम कर रहा था। अलग जोन में होते हैं ना, हाँ। जो लोग ऐसे होते हैं ना जो कहीं और रहते हैं किसी क्लाउड 9 पे या 8 पे या 10 पे रहते हैं ना, जो लोग उनको लोग सारे लोग पसंद करने लगते हैं, हाँ ना? क्योंकि एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, हाँ। कि ये कहीं और ही है ना ऐसे। हाँ मैं कहीं और ही थी, हेडफोन लगा के। वो मेरे सारे बेचारे काम कर देता था, उसको लगता था कि मैं उससे फंस गई हूँ और शायद मैं उससे शादी कर लूंगी, लेकिन मैं तो कहीं और थी। अच्छा, उससे मैं मंगेतर का क्या बना इस दौरान जब उसको सब कुछ बता दिया? कुछ नहीं, उसने कहा कोई बात नहीं। मुझे समझ नहीं आता, लोग मुझे बहुत जल्दी माफ़ कर देते, शायद मैं सॉरी कर लेती हूँ, एक्सेप्ट कर लेती हूँ, हाँ ये मुझसे हुआ है। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। मैं कहती हूँ ये मुझ में ही प्रॉब्लम है, मानी ये मैंने किया था तुमसे पहले ना, मेरा ये अफेयर था, ठीक है ये था, उसका मैसेज आया, अब ये सीन था, ओके बता दिया, ठीक है माफ़ कर दिया, यू नो सबका पास्ट होता है। तो कितनी दफा मोहब्बत हुई? कितनी दफा मोहब्बत हुई? पहली दफा कब हुई थी? मोहब्बत तो बस मानी से हुई थी एक ही दफा। इन्फैटुएशन जाहिर सी बात है, मुझे भी नहीं होती थी, लोगों को पसंद आ जाती थी मैं। और मुझे लगता है कि जब आप ऐसी लड़की जो यू नो शादी में डांस कर रही है, जिसके अच्छे कपड़े हैं, जो बड़ी ब्लंट है, वो लड़कों को बड़ी पसंद आती है, लेकिन समहाउ लड़के उसको बदल के अपनी बीवी बनाने में एक्सेप्ट करते हैं। मेरा पॉइंट समझिए, इसको सादा कर जो कुछ नहीं हाँ, सो ये नहीं पहनो, हाँ, जो चीज अट्रैक्ट करती है उसे को बदलना चाहते हैं। लेकिन मानी वो इंसान था कि उसने मेरी उन चीजों को बदला नहीं, उसने कहा नहीं, मेरी खालाएं, मेरी फुफियां सब मुझसे प्यार बहुत करती थी, लेकिन मेरी दो एंगेजमेंट्स टूटने पे वो परेशान थी। बकायदा दो एंगेजमेंट्स टूटी थी। अच्छा, इसके पीछे भी कहानी है। जब मैंने केमिस्ट्री और मैथ्स की और फिज़िक्स की बुक्स देखी तो मुझे लगा कि इससे बेहतर है मैं इश्क कर लूँ और शादी कर लूँ। मैं डर गई थी किताबों से, मुझे किताबों से डर लग गया था कि इतनी मोटी मोटी मैं नहीं पढ़ सकती, मैं वो बंदी नहीं हूँ कि मैं कुछ डॉक्टर या साइंटिस्ट। मैंने अम्मी को बिठाया, मैंने कहा अम्मी आई एम सॉरी, मैं डॉक्टर नहीं बन सकती, मैं वो जो ताल फिल्म में ऐश्वर्या है ना, और वो जो हम दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या है, और ये जो है ना मैं ये हूँ, आप एक्सेप्ट कर लें। तो ये बचपन से भी ऐसी थी? हाँ, है? हाँ।
कोई चीज, कोई गाना सुना तो उसके पीछे, उसके उसी के अंदर चले गए। हाँ, कोई फिल्म देखी तो उसी के अंदर गुम हो गए। उसी के कपड़े पहनने शुरू कर दिए, गुम तो छोड़े, वैसे कपड़े। मेरे टेलर को फोन जाता था कि वो एक, मैं हूँ एक करीना वाला सेम ड्रेस बना दो, मैंने अपनी कजिन की शादी में पहना। अच्छा। तो मेरा टेलर भी बड़ा अलर्ट, आज वो अच्छा डिजाइनर बन चुका है। खैर, तो मैं ना, मैंने कहा कि पढ़ाई से बेहतर है जो मैं हूँ, हाँ, जो मैं चाहती हूँ शादी करके जिंदगी गुजारना है, अच्छी बीवी बन के। हाँ, मेरा जीरो एम था। हाँ, वो जो गुड़िया का घर है उसको सजा, बस वो घर से मेरी जिंदगी रुक थी। हाँ, अटैच, और पूरे घर में फिर नाचती फिरो। हाँ, नाचती फिरो। तो वो मानी ने जो, फिर मैंने अम्मी को, मैंने कहा अम्मी आप, मैं डॉक्टर, मेरी फ्रेंड सारी डॉक्टर्स हैं, मेरा अच्छा मेरा ग्रुप जितना भी था सब कहता था हीरा अगर तुम ये सोचना बंद कर दो ना कि चांदनी फिल्म की श्रीदेवी ने मुझे असर में, बेसिकली मेरी अम्मी बहुत फिल्में देखती थी, गाने सुनती थी, जैसे उनका एक टेप रिकॉर्डर था और वो कैसेट लगा कर तो सुबह सारे काम होते थे, वीसीआर लगा कर। वो बस अम्मी ने ना मुझे, क्योंकि अम्मी और अबू का भी अफेयर था, उनकी भी अफेयर वाली शादी हुई थी। अच्छा, तो अम्मी ने मुझे, सो इट्स अ फैमिली ऑफ रोमांटिक्स। हाँ, सारे रोमांटिक, सारे रोमांटिक हैं, सारे बादलों को देख रहे हैं, बिल्कुल कहीं शीशा नजर आया, चांद नजर आ गया तो चांद के सामने खड़े। मेरी अम्मी अब वो बिल्कुल ऐसे ही हैं, लाइट गई हुई है, हम छत पे बैठे हैं, रोमांटिक गाने गा रहे हैं, अम्मी ने एक दूसरे के कंधे पे सर रख के। हाँ, और लड़ाई भी होती तो ऐसी होती थी कि आपकी सोच है। सो एक रोमांटिक कपल और एक बहन, तो ये बाकी चार भाइयों का क्या बना था? रोमांटिक कपल तो नहीं ना, रोमांटिक तो सिर्फ मैं हूँ, मानी बिल्कुल नहीं। नो, अब्बू और अम्मी तो रोमांटिक कपल थे ना, अम्मी अब्बू है ना, और एक बेटी भी एक रोमांटिक आ गई। तो वो जो चार भाई थे उनका क्या बना? वो चार भाइयों का मैंने बहुत तंग किया, मैंने बहुत तंग किया उन लोगों के अंदर जो पेशेंस, क्योंकि भाई कैसे होते हैं ना कि इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, मैं वहां नहीं खड़े हो। हाँ, मैं अगर पर्दे भी खोल रही हूँ तो मैं ऐसे खोलती थी। तो मेरे भाई कहते थे हीरा हम ऐसे एरिया में रहते हैं, तुम ना जरा चादर लेके नीचे उतर। मैं बोलती थी अच्छा अच्छा, मैं यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देती थी। कॉलेज का टाइम ख़त्म होता था, मेरा भाई एक सामने खड़ा होता था, यू नो, कॉलेज से मैं निकली हूँ और तलहा मुझे पिक करने आ गए। तो मेरे भाइयों के लिए मैं ऐसी, वो मुझे बहुत मेरा साथ देते थे, मेरे साथ फिल्में गाने, जैसे मेरा भाई तलहा है वो गाना बहुत सुनता था, कौन सा गाना था, ना गजरे की धार। मैं सुबह उठती थी तो ये गाना लगा होता था। तो मैंने कहा तुम लोगों ने ना, एक तो मैं तो थी हीरोइन, ठीक है, पर तुम लोगों ने मुझे इस पे मजबूर किया कि मेरी सारी जिंदगी ही हीरोइन बन के गुजर जाए। अच्छा लोग, अच्छा हाँ, वो बता रही थी ना पहली एंगेजमेंट का, आपके पढ़ना नहीं है घर बनाना है। हाँ, हाँ, पढ़ना है। तो वो मेरे कजन थे वकास भाई, उन्होंने मुझे रिश्ता भेजा, वो मुझसे 10-12 साल बड़े थे। उन्होंने कहा कि मेरे ताया अबू एक ही थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो मेरे अबू से उन्होंने कहा कि हीरा की हमने हीरा का रिश्ता मांगा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था रिश्ते में, ना मुझे पता था वकास भाई कौन है, मुझे पता था मेरी आईब्रोज बनेंगी, मेरा मेकअप होगा, मैं सेंटर फॉर अट्रैक्शन होंगी, सारी कजन्स मेरे पास आ रही होंगी, पिक्चर्स खींचेंगी। मैंने कहा हाँ मैं मंगनी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े होंगे, यू नो, इस चक्कर में हीरोइन होगी उस वक्त, मैं हीरोइन होंगी, स्टेज पे बैठी होंगी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगी, कर दे मंगनी। अब मंगनी तो हो गई मैं मैट्रिक में, अब मैं मंगनी करके जब सेकंड डे स्कूल आई, मेहंदी मेहंदी लगा, अब मेरी ग्रुप की लड़कियां सारी पढ़ी लिखी, उनको बिल्कुल ये चीज़ें पसंद नहीं होती थी, वो मुझे बहुत समझाती थी कि तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, तुमने नहीं पढ़ना है इन चक्रों में, नहीं गाओ मेरा गाने, बस ठीक है तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, अभी देखो ये फिजिक्स का क्या सवाल। वो मुझे ऐसे, अभी भी शुमाला, शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। तो खैर, जब मैं सेकंड डे गई, मेरी मेहंदी मेहंदी लगी हुई ना, मैं बड़ी खुश हूँ, मैं ऐसे करके ना, जैसे किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया, किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, बिकॉज अब स्टेज पे नहीं थी ना, रियलिटी यही है ना, किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। मैंने कहा मंगनी मेरी हुई है, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, कोई मुझसे, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, लड़कियों की मैट्रिक में सोच नहीं होती है, आजकल के ज़माने में नहीं होती है कि वो यू नो शादी करें या। तो खैर, अब मैंने कहा अच्छा ये सीन है, मी टीचर इतनी जल्दी मंगनी करने की क्या, मिस फरीद क्यों हीरा इतनी जल्दी इंगेजमेंट कर दी, ये तुम्हारा ख़ानदान बैकवर्ड है क्या, तुम्हारी अम्मी अबू बैकवर्ड है? मैंने कहा नहीं, मेरे अम्मी अबू तो बिल्कुल नहीं है ऐसे। मैंने कहा अबू मैं मंगनी तोड़ना चाहती हूँ। अबू ने कहा हीरा तुमने उस वक्त क्यों नहीं कहा मंगनी तोड़नी है? मैंने कहा पता नहीं,
मेरा एक ही भाई है हिरा, मेरा एक ही भाई है, उस मैं कैसे बोल दूँ उसको? मुझे लगा तुम खुश हो, मैंने कहा नहीं मैं खुश नहीं। मैंने कहा वकास भाई अब आई एम सॉरी, मैं इसको प्रोलोंग नहीं करना चाहती, मैं ख़त्म करना चाहती हूँ मंगनी, क्योंकि वो इवेंट तो गुजर गया ना, उसके बाद मंगनी तो मंगेतर है ना जो आएगा आपको देखेगा किचन में आपके पास आएगा। मैंने कहा नहीं वकास भाई, मैं तो आपको कभी ऐसा सोचा ही नहीं ना, मैं तो शायद कबू में फंसी हुई थी, आई एम सॉरी अब वो नहीं है। तो सारा यू नो दो ख़ानदान अलग हो, मेरे अबू ने मेरे अपने भाई को जो इकलौते भाई को बोल दिया हिरा नहीं करना चाहते, मैंने ताया अबू को कॉल कर दी। मेरे घर का बहुत बुरा माहौल था, मेरे ताया अबू ने मेरे अबू से बातचीत बंद कर दी, यू नो काफ़ी क्लैश आ गए बीच में, काफ़ी मसले आ गए, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने सेल्फिश होकर सोचा और मेरे अबू मुझसे बहुत प्यार करते, मैं दार्जिलिंग में इकलौती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, काफ़ी रोने गाने हुए, चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब हुई, मेरे भाई काफ़ी परेशान हुए। फिर आया एक और रिश्ता वही और साफ का अम्मी को बहुत पसंद आ गया, एक साल बाद ही अम्मी को बहुत पसंद आ गया, क्योंकि मेरी खालाओं ने बहुत, मेरी कज़न्स की बहुत जल्दी शादियाँ हो गई, उनकी शादियों के चक्कर में यू नो अम्मी ने कहा सबकी हो रही हैं, होते जा रही हैं, अब जो है वो मंगनी कर देते हैं हिरा की, क्योंकि रिश्ते बहुत आते थे, और वो लड़का भी बहुत अच्छा था, अब वो दुबई में सेटल्ड है और बड़ा अच्छी उसकी फैमिली है। उन्होंने कहा कि हिरा की अब हम जो है वो मंगनी कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब वो अम्मी है, अम्मी की पसंद विनोद खन्ना टाइप है, वो विनोद खन्ना टाइप था। मैंने कहा ठीक है, मैं उससे भी मैंने हाँ कर दी, उससे मेरी शादी हो जाती अगर मानी ना, अगर मानी ना आता। फिर जब वो दूसरी मंगनी भी मैंने जब मानी आ गया, अच्छा हाँ वो स्टोरी नहीं, अभी नहीं, वही तो उसको बताया कि भाई मैं तो मानी से मिल रही हूँ। नहीं हाँ जब तब बताया, जब मानी ने खत्म कर दिया, कट आउट कर दिया, तब मैंने बताया। मैंने कहा शायद मुझे लगता था मानी शादी कर लेगा, लेकिन मानी ने नहीं की। फिर अचानक एक दिन मानी का फोन आया, कहाँ? मैं बैंक में। आज भी मुझे वो नंबर याद है, वो नंबर मुझे बिलबोर्ड्स पे भी कहीं दिखता था ना, नहीं आप जा रहे होते टू लेट लिखा होता है 2007731200। आज भी मुझे वो नंबर, मैंने कहा माय गॉड मानी का नंबर आ रहा है मेरे फ़ोन में। मैंने कहा हाँ, मैं बैंक में बैठी हुई ना शाम में 6 बजे, बाकी चीज़ें करी थी, अबू अंदर थे, अबू ने कहा था मैं ले जाऊँ। मैंने कहा, कह रहे वो तुम्हें लगता है तुम्हें शौक है टीवी का ना, तो मेरे पास एक चीज़ है, तुम उसमें ऐड करोगी? मैंने कहा नहीं मैं बात नहीं कर सकती। फोन दोबारा आया, मैंने 4 महीने तुम्हें याद किया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा तुम फिर झूठ बोल रहे, मैंने बहुत मुश्किल से अपना मसला सेटल डाउन किया, बहुत घर में मसले हुए, प्लीज़। उसने कहा नहीं अपना एड्रेस दो। मैंने भी एड्रेस भेज दिया किसी दिन में। मैं बैंक से आके सेकेंड डे सो रही हूँ, अम्मी कह रही उठो। मैंने कहा क्या हुआ अम्मी? मानी आया है अपने अम्मी अब्बू के साथ, उठो। मैंने कहा क्या मानी है? मैं इधर टकराऊँ उधर टकराऊँ? मैंने कहा क्या? मैं बाथरूम भागी, मैंने कपड़े चेंज किए, अब्बू कमरे में आए कि साकिब शेख की तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मुझे पता नहीं था मानी साकिब का बेटा है। अगर साकिब अंकल मानी के अब्बू नहीं होते तो पता नहीं क्या बाबेला होता, क्योंकि ही इज़ अ वेरी डिसेंट मैन, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मेरे ससुर वर्ल्ड बेस्ट आदमी है, मेरे अब्बू से भी ज़्यादा मैं उनको तरजीह देती हूँ। खैर मैं ऐसे शिवर करी, मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने, पता नहीं कौन सा जोड़ा बुरे नहीं, आप एक प्लान होता है कि जब मानी का रिश्ता आएगा तो मैं ये पहनूंगी, और मैंने कुछ भी और पहन लिया, सारा वो प्लान धरा। फिर हमारी शब मंगनी हो गई, तो कोई म्यूजिक भी नहीं बजा दिमाग में, कुछ भी नहीं बजा, सो के मैं उठी, आंखें मेरी ऐसी हुई भी, अम्मी ने ऐसे ऐसे उठाया। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि औसाफ, मैंने औसाफ को कॉल की, मैंने कहा औसाफ मैं शादी कर रही हूँ मानी का रिश्ता आ गया। उसने कहा ठीक है, बी हैप्पी एंड स्टे हैप्पी, तुम रियल लाइफ हीरो हो, खुश रहो। बस इस तरह मेरी मानी की शादी हो गई, और जिस दिन शादी का दिन था उस दिन तक मैं लड़ रही थी मानी से, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था मुझसे शादी करने, क्योंकि जिस दिन इसने मुझे छोड़ के गया था 4 महीने के लिए, वो धचका मेरे साथ था, यू नो शॉक
वो शौक मैं भूल ही नहीं थी, तो शादी की रात को फिर मुझे यकीन आया कि हाँ यार शादी हो गई। जब मानी आया था और असाफ किसे मंगनी हुई हुई थी, घर में क्या था? कुछ भी नहीं पता था किसी को। मेरा एक भाई ये सब कुछ कर रही थी, किसी को मेरे भाई कोई कॉन्फिडेंट नहीं था घर में। नहीं, इतना बिलीव था ना सबको, हिरा ये नहीं कर सकती, हिरा कैसे करेगी, इसको तो इतना कॉन्फिडेंस दिया है। मेरे अब्बा ने कभी कोई रोक टोक नहीं, मेरे अब्बा से कभी मैंने पैसे नहीं मांगे, यू नो उन्होंने हर चीज़ मुझे ऐसे दिए लाके। और मैं टॉम बॉयज भी थी थोड़ी, और भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा रेसलिंग कोई नहीं, इस एंगल में ना चीट करने वाली मेरी शख्सियत है भी नहीं। आंखों में आंसू क्यों आए अभी? वो शादी का, मानी का क्यों है इतना प्यार? क्या चीज अच्छा लगता, क्या एक क्या बात है इसमें जो इतना प्यार करती हो कि आंखों में आंसू आ गए इसका सोच के? मेरे अबू से मुझे बहुत प्यार है, बहुत ही प्यारे इंसान है, और हमेशा मेरी हर चीज़ पे ताली बजाने वाले। और जब पूरा ख़ानदान यू नो कहता था कि पता नहीं इस लड़की का क्या होगा, शादी होगी तो पता लगेगा, मियाँ होगा तो पता लगेगा, बहुत अपने आप में यू नो, लेकिन अब्बू वाहिद थे, कहते थे नहीं तो मैं जो दिख जाता है, मुझे हाथ पकड़ के शॉपिंग कराना, पैसे इतने होते भी नहीं होते थे, और मुझे हर चीज़ कर देना, मेरी हर चीज़ पूरी कर देना। तो मानी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इस्तंबुल में थी मानी और मैं, और मानी मेरा हाथ पकड़े कभी इस शॉप पे जा रहे कभी इस शॉप पे जा रहे कभी इस शॉप। मैंने कहा कि ये तो मेरा अबू मुझे मिल गया, यू नो एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका हस्बैंड ऐसा हो कि जैसे वो उसको बाप की कमी ना फील हो। तो मुझे इसलिए इससे इतना प्यार है कि इसने मुझे हिरा मानी बना दिया। कैसा लगा था जब बेबी आया था, जब पहली दफ़ा पता चला था कि तुम माँ बनने जा रही हो? हाँ, शादी के 2 हफ्ते बाद प्रेग्नेंट हो गई थी, हमने बैंकॉक जाना था, और मुझे इतनी सिवियर प्रेगनेंसी थी, सिवियर वॉमिट्स थी, और मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि वो हमारा सारा टूर कैंसिल हो गया, टिकट्स रह गए वैसी के वैसी, और मुझे मैं एडमिट हो गई। मैं बड़ी पतली दुबली सी, बड़ी रोना शुरू हो गई थी कि तो बहुत जल्दी है अभी, तो मैंने मानी को इन्जॉय करना था, मानी के लिए मानी से शादी की थी, उसकी चीज़ें करना, उसके लिए कुकिंग करना, उसके लिए हर चीज़ करना। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई, फिर मुझे वॉमिट्स हुई, फिर वो बहुत मेस था, फिर मानी ने मेरी तब भी बड़ी केयर की, लेकिन पहले पहले बच्चे में बहुत लाओबाली होता है मियाँ, उसको इतना पता नहीं होता, वो भी छोटा था। आई वॉज 19 जब मेरी शादी हुई है, और मानी शायद 24-25 साल का था जब उसकी मेरी शादी हुई है, तो उसको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। कॉन्फ्लिक्ट हुए, चीज़ें हुई, मैं चिड़चिड़ी हो जाती थी, वो अपने अंदर हीरो है, मैं कहती तुम मुझसे प्यार नहीं है, मेरे लिए गोलगप्पे लेकर आओ, वो कहता था मुझे थोड़ी पता गोलगप्पे लाने होते हैं, ये चीज़ें होनी होती। लेकिन मेरी मानी की लड़ाई ऐसी होती है समीना, आंधी की तरह, तूफान की तरह आती है और आंधी की तरह जाती है, और 20 मिनट बाद हम दोनों एक दूसरे से ऐसे लग के सॉरी कर रहे होते हैं। तो अनवाइंड कैसे करती है? तो बड़ा ज़रूरी है कि अपने अपने कैरेक्टर्स को सेट पे छोड़ आओ, अदरवाइज बच्चे बहुत असर अंदाज होते हैं। छोड़ा ही ना, फिर कैसे सीखा? सीखा ये कि मानी उसने कहा हिरा ये काम है, इसको काम की तरह लो, काम करके यू नो तुम इसको सोचो मत ज़्यादा। नहीं, एक और भी चीज़ है समीना, मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया है मेरे बच्चों के बाद, वरना ऊ आ आउच वाली बंदी थी मैं। हाँ। कि नहीं मुझे नाक में दर्द हो रहा है, एडमिट कराए अबू, एडमिट हो गई ना, एक बंदी की नाक छिदी है, गलत छिदने पे एडमिट हो गई है साउथ सिटी में, ये हूँ मैं बेसिकली। लेकिन बच्चों के बाद मुझे, मैं बदल गई हूँ बच्चों, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जेंडर्स में खाना खा रही थी, और मुझे शॉपिंग और मुझे ब्रांड्स, और मैं मीडिया में नहीं आ पाते हैं, आप लड़कियों को देखते हैं, आप माहिरा को देखते हैं, शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर, माहिरा को देखते हैं, कहते हाँ माहिरा ने देखो ये वाली टी शर्ट पहनी है मानी, मुझे फलाना ना गूची से, मैं जाऊँगी, मुझे अभी ज़ारा पे मैं जा रही हूँ, मुझे ना ये कपड़े चाहिए, ये देखो करीना कपूर ने कितना अच्छा बैग, ऐसी हो गई थी मैं जो मैं नहीं हूँ। अब जब मैं ऐसी हुई
تو میں دنیاوی ہو گئی. جب میں دنیاوی ہوئی تو مجھے ڈپریشن ہو گیا. ڈپریشن کیا ہو گیا؟ انسٹاگرام میں اس کے اتنے لائکس ہیں, میرے نہیں ہیں. انسٹاگرام کے فالوورز نہیں ہیں, میرا انسٹاگرام کیوں نہیں بنا ہوا. یو نو میں ایسی ہو گئی تھی, بالکل کریزی. پھر میں زینڈرز گئی. زینڈرز میں نے اپنی فرینڈس کے ساتھ ہم نے ڈنر کیا. ڈنر کے بعد میں کافی 6-7 ہزار 8 ہزار تو پتہ ہی نہیں چلتے نا آپ کو کہاں گئے. یہ بات ہے کوئی 2 سال پرانی. میں واپس آئی تو میری گاڑی کے بالکل برابر میں ایک بچہ چھپ کے سو رہا تھا. اور جب آپ کے بچے سوتے ہیں تو ان کا پلو سر سے ہٹ جائے تو ان کی گردن ایسے ہو جاتی ہے. تو اس بچے کے سر سے اینٹ ہٹ گئی تھی اور وہ اس کا سر ایسے ہوا تھا. تو میں اپنے بچوں کے لیے کھانا پیک کرا کے فش اینڈ چپس لے گئی تھی. اور وہ تھا ابراہیم کی عمر کا, 5 سال کا. میں نے اس کو اٹھایا, میں سب بھول گئی کیا ہے کیا نہیں ہے. وہ میں نے اس کو جیسے ہی اٹھایا وہ ڈر کے بھاگا. وہ جب بھاگا آئی ڈونٹ نو کس چیز سے وہ ڈرا ہوا تھا, مجھے نہیں پتا. میں نے اس کو پکڑا, میں نے کہا ایک سیکنڈ میں تمہیں کھانا کھلاتی ہوں. میں نے اس کو بٹھایا, میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا. وہ بہت نیند میں تھا. آئی ڈونٹ نو اس کو کوئی ڈرگس دیا ہوا تھا یا کیا, مجھے نہیں پتا. سوری, آئی ایم سو سوری. میں اس کو کھانا کھلایا. پھر اس دن میں نے کہا یار ہم کتنے دنیاوی ہو گئے ہیں, مجھے برانڈز چاہیے, بچے سڑ سڑک پہ سو رہے ہیں, میں اتنا مہنگا کھانا کھا کے نکلی ہوں. نہیں یار, میں اس لیے سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہی ہوں شاید کیونکہ میں نے اپنا انر مار دیا ہے. آئی تھنک سائیکیٹرسٹ کے پاس انسان جب جاتا ہے, جب وہ فیک ہو جاتا ہے اور وہ فیک دنیا میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, بیسکلی میں نہیں ہوں. تو میں نے کہا میں وہ کروں گی جو مجھے ہیل کرے گا. وہ ٹائم تھا میری لائف سے بہت ساری چیزیں کٹ ڈاؤن ہوتی گئیں. بڑے ریسٹورینٹس میں کھانا میں نے کہا نہیں کھاؤں گی. میں کچھ چیزیں اپنے آپ چینج کرتے ہیں نا, برانڈز نہیں خریدوں گی, شاپنگز نہیں کرنی, مانی چیزیں ختم کروں. زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ دوسروں کی ماننا. اب یہ میری امی دیکھیں گی نا جب یہ شو, تو اب یقین کریں گی کہ ہرا کی یہ جو بول رہی ہے یہ ہے بھی. کسی کے ماننے میں, کسی کو خوش دیکھنے میں کتنی بڑی خوشی ہے. مجھے نہیں پسند وہ لوگ جو اپنی چیزیں دوسروں پہ تھوپے, جیسا میں ہوں ویسا کرے, میری سنو. شوٹ پہ بھی میں ڈسٹرب ہوتی ہوں ایسے لوگوں کی سراؤنڈنگ سے. میں نگیٹو لوگوں کو کیچ کر لیتی ہوں. چاہے میک اپ آرٹسٹ کا اسسٹنٹ بھی نگیٹو ہوگا نا تھوڑا بہت, میں اس کی وائب لے لوں گی. میں وائبس لے لیتی ہوں نگیٹو, اور میں سوچتی ہوں ان لوگوں کے بارے میں, بات کرتی ہوں بیٹھ کے. ابھی ایک ہیروئن کے ایک سیریل میں میرے ساتھ ایک مسئلہ ہوا تھوڑا بہت. میں اس لڑکی کو لے کے بیٹھ گئی. میں نے کہا میں ہیروئن نہیں بننے آئی ہوں. میں تو وہ ایک شروع سے شوق نہیں تھا, وہ میرے میاں کو لگا میرے اندر ہے اور چیزیں بھی اچھی آفر ہو رہی ہیں تو اس لیے میں کر رہی ہوں. تم ہیروئن ہو, میرے تو 2 بچے ہیں. میں تو بس اپنا ٹائم پاس کرنے اور اپنی ایک اندر کی چیز, میرے میاں کو لگتا ہے وہ نہیں نکلے گی تو ہیرا کو ایک سیٹسفائڈ لائف میں دوں تو میں اس لیے ایکٹنگ کرتی ہوں. ہیروئن تم ہو, پریشان نہیں ہو مجھ سے, ریلیکس ہو جاؤ. میں چاہتی ہوں لوگ ریلیکس رہے, لوگ مجھے لے کے انسیکیور یا مجھے لے کے ٹینشن میں نہ آئے. میرا کوئی ایم نہیں ہے, مجھے لکس اسٹائل اوارڈس میں انٹرسٹ نہیں ہے. میرے اندر بس ایک ایکٹنگ ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے کیمرے کو ابھی نہیں دیکھا. میرے دماغ میں کیمرہ بہت شروع سے ہے, کیمرے کے آگے تو میں کھڑی ہوں. تو کیمرے سے میں نہ پریشان ہو رہی ہوں نہ تم مجھ سے پریشان ہو, ریلیکس. میں تو ماں ہوں, گھر جاؤں گی بچوں کے لیے پراٹھے بنانے, ان کو سلانا ہے, ان کی میتھ کی تیاری کرنی. میرا کسی سے کوئی کمپٹیشن نہیں, میرے دماغ میں کسی سے کوئی کمپٹیشن نہیں. ہاں اگر بچے نہیں ہوتے, شادی نہیں ہوتی تو شاید میں کچھ اور ہوتی. لیکن اچھا ہوا نا شادی ہوئی, بچے ہوئے, پھر یہ لائف ملی. ورنہ میں نے لوگوں کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. مجھے ٹینشن ہوتی ہے مزمل کا آج فٹ بال کا میچ ہے
वो अच्छा खेल ले, बस मैक्स मेरी ये टेंशन है। और हाँ, चीज़ों को सीरियस लेती हूँ, अगर ये ड्रामा है पूरा कैरेक्टर बनाती हूँ, सोचती हूँ कि अगर मैं इस सीन में हुई, सिनेरियो में हुई तो मैं क्या करूँ। और किसी सीन में मुझे रोना होता है तो मुझे कोई हनी और इन चीज़ों की कभी कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मैं अपने बच्चों का सोचती हूँ, मेरे बगैर घर में रह रहे होंगे, अल्लाह पता नहीं गैलरी में खड़े हुए होंगे, कहाँ होंगे, पता नहीं इब्राहिम को भी प्यास लग रही होगी, वो पानी मांग रहा होगा लेकिन कुछ सुन नहीं रहा होगा। यू नो, मैं बड़ी टची और बड़ी डीप लड़की हूँ, तो मैं खुश नहीं रहूँगी। लेकिन छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती हूँ। हाँ, छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती हूँ। मौत क्या है, कभी सोचा है? डर लगता है मरने से? मौत से डर लगता है, जिंदगी पसंद है ना बहुत। 11 साल हो गए मेरी मानी की शादी को, पता ही नहीं चला। सुनती थी कभी ना कि जब अच्छा वक्त गुजर रहा हो तो वो जल्दी गुजर जाता है। अल्लाह करे पहले मैं मरूं, अल्लाह ताला पहले मुझे उठा, अल्लाह मानी को, मेरे बच्चों को मेरी उम्र दे दे। डर लगता है मौत से, डर लगता है, दिल चाहता है जिंदगी कितनी अच्छी अल्लाह ने दे दी है। पता नहीं मैं इतनी डिजर्विंग थी नहीं थी, अल्लाह ने मुझे इतनी स्मूथ, इतनी अच्छी लाइफ दे दी है। परेशान रहती थी मैं बिला वजह में, फलाने की शादी हो गई, मेरी ये भी मंगनी टूट गई, मेरे अब्बू परेशान हैं, पता नहीं क्या होगा, मेरी खालाएँ या मेरी कज़न्स इतनी खुश हैं, मैं अपनी अम्मी को वैसी खुशी नहीं दे पा रही हूँ जो मेरी कज़न्स मेरी खालाओं को देती हैं। मैं तो ना घर का कोई काम करती हूँ ना कुछ करती हूँ। ये रियलाइज़ पता है कब होता है? शादी के बाद, जब आप माँ बनते हैं ना, आपको अपनी माँ का पता लगता है कि मेरी अम्मी अकेले किचन में लगी रहती थी यार, और मैं यहाँ ऐश्वर्या का गाना देख रही होती थी। आज मैं वो माँ हूँ जिसके ऊपर 6 चीज़ें हैं, और मानी की सपोर्ट ना हो तो शायद मैं फेंट कर जाऊँ, लेकिन मानी की सपोर्ट है तो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं गलत कहती हूँ उन औरतों को जो कहती हैं कि हमें मर्द की ज़रूरत नहीं है। मर्द को बुरा आप खुद बनाते, मर्द बड़ी प्यारी चीज़ है, उसकी एक सुनो ना वो आपकी 6 सुनता है, और वो एक उस ये नहीं इसलिए नहीं सुनो कि वो आपकी 6 सुने, उसको भी तो समझो, उसकी भी तो फीलिंग्स है ना। उसको बचपन से कह दिया जाता है, मर्द को सख्त हम ही बनाते, इब्राहिम गिरता है, रोना नहीं, तुम लड़के हो बिल्कुल नहीं रोना, क्यों, उसको भी तो रोना आ सकता है, वो लड़का है तो क्या हुआ, उसका दिल नहीं है, उसको सख्त हम बनाते हैं तो वो फिर सख्त बड़ा हो जाता है, और फिर उसके अंदर एक अना होती है, वो अना दीवी माँ की होती है ना, सही कह रही हूँ ना मैं? नहीं नहीं, हाँ सोच रही हूँ। हाँ, तो मुझे लगता है कि औरत, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना वो आपका अक्स होते हैं, वो आपका अक्स होते हैं, तो हाँ है ना, अक्स होते हैं, अक्स होते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि मानी की वजह से, मेरे अब्बू की वजह से आज मैं एक अच्छी औरत हूँ। तो मर्द का भाइयों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सख्ती, रोक टोक, ये चीज़ें डैमेज करती हैं औरत को। तो अगर मर्द जो जितना प्यार मिले, जितनी इज्जत मिले, और जितना जिम्मेदारी का एहसास मिले, है ना, क्योंकि और ट्रस्ट मिले तो औरत भी जिम्मेदार हो जाती है। हाँ, जिम्मेदार हो जाती है, उसको होता है कि यार इस मुझ पे चीज डाली है, फेथ अगर है, हाँ, अगर आप उसको ट्रस्ट कर रहे हो, फेथ हाँ, करें, हाँ, हाँ, तो तोड़ना नहीं है, हाँ, उसको तोड़ना नहीं है, तो ये थैंक यू समीना।